शहर शहर की हर हलचल, तीज त्योहार संस्कृति के हर रंग। आर्या न्यूज खबर पक्की। मिशन के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करने जा रही है, धरना देने जा रही है बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ। सीधे लेके चल रहे हैं आपको जम्मू, वहां से बातचीत करेंगे अपने संवाददाता विनीत से और जानेंगे हाल क्या है वहां का और आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर धरने प्रदर्शन कर रही है, क्यों घेर रही है भारतीय जनता पार्टी को, जबकि हमारे सामने लोकसभा चुनाव भी हैं। इधर हमने दिल्ली में भी देखा आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया, चंडीगढ़ के मेयर को चुनाव को लेकर धांधलीबाजी जी का मुद्दा उठाया, ऐसे ही आम आदमी पार्टी जम्मू में भी मुद्दा उठाने जा रही है, इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना दे रही है। आम आदमी पार्टी ने जब से जम्मू के अंदर अपने पैर पसारने शुरू किए हैं तब से राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। आइए बात करते हैं सीधे, विनीत आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? विनीत आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? विनीत आप मौजूद है? और क्या स्थिति है वहां पर इस वक्त? जी मैं बता दूं, इस समय जम्मू के निर्वाचन भवन के बाहर मौजूद है हम, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों ये देखने को मिला जो चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव थे उसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी बड़े आरोप जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है इस समय यहाँ पर निर्वाचन भवन जम्मू के कार्यालय के बाहर मौजूद है और यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर आज जो है उग्र प्रदर्शन जो है इनके द्वारा किया जाना। आप स्लोगन्स भी देख सकते हैं, पहले लड़े गोरों से अब लड़ेंगे वोट के चोरों से, ये साफ तौर पर आप तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर प्रवक्ता भी है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो आम आदमी पार्टी की है। निर्मल महाना जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। निर्मल जी आज जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर आप सबका क्या कहना है और जो मेयर के चुनाव हुए थे चंडीगढ़ में उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहले तो आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी एक आवाज से आ जाते हैं और मुद्दा बहुत ही सीरियस है। आपने देखा कि 30 तारीख को, हालांकि आप जानते हैं उस दिन हमारे राष्ट्रपिता का असैसिनेशन हुआ था और मुझे लगता है दूसरा असैसिनेशन जो हमारे संविधान का है वो 30 तारीख को चंडीगढ़ में हुआ है। मेयर के और छोटे इलेक्शन, मतलब जिनका आप सोचें तो रेलेवेंस है नहीं, इतना भी नहीं कि देश पूरा उलट जाएगा, इतनी छोटी चीज के लिए ही भी जो भारतीय जनता पार्टी है उसने जो कार्य किया है, मतलब समझ में नहीं आता कि सत्ता का प्रलोभन इतना ज्यादा है इन लोगों को। आप जानते हैं वहां पे वहां की जो म्युनिसिपैलिटी की सीट थी वो 36 थी, जिसमें हमारे अलायंस के साथ कांग्रेस के साथ हमारी 20 थी और भारतीय जनता पार्टी की 15 और एक निर्दलीय थी तो 16 हो गई उनके। तो अगर आप कैलकुलेशन देखें तो 20 ज्यादा है कि 16 ज्यादा है। एंड इनका जो इन्होंने वहां पे ऑफिशियल लगा रखा था, भारतीय जनता पार्टी का अपना बंदा लगा रखा था, उसने 8 वोट्स के ऊपर, और हालांकि इतना छोटा इलेक्शन था उसके ऊपर किसी पे टिक लगा दिया, किसी पे कुछ करके हमारे 8 जो वोट हैं वो इनवैलिड कर दिए। एंड इट इज एवरीथिंग इज ऑन द वीडियोग्राफी उसकी हुई है, ओपन उसमें धांधली कर रहे हैं, तो बड़ी शर्म की बात है। और सबसे बड़ी बात शर्म की बात है कि ये इलेक्शन एक महीना पहले होने थे, लेकिन जो भी इनका बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव था उसने कहा मेरे को प्रॉब्लम हो रही है ये, तो ये एक्सटेंड कर दिए। हाई कोर्ट में हम गए भारतीय हमारी जो है आम आदमी पार्टी, तो फिर ये हाई कोर्ट के कहने से दोबारा ये इलेक्शन हुए। मजेदार बात ये है कि जितने भी वोट्स वहां पे डाले जा रहे हैं उस पे 8 पे आप अपनी मर्जी से पेन से कहीं टिक कर रहे हैं, कहीं क्रॉस कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और आपने हमारे 8 वोट इनवैलिड करके आप और फटाफट से भाग के गए। और भाग के आपने देखा होगा वीडियो इज वायरल ऑन द सारे सोशल मीडिया पे, मेयर को किस कुर्सी पे आपने उसको बिठा दिया, क्या सोच के आपने बिठाया कि हम सारे के सारे बेवकूफ हैं, हमारे यहाँ सरों पे लिखा हुआ है कि हम पागल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि अगर इतना ज्यादा प्रलोभन है और इतना ज्यादा सत्ता के लिए ये इनको लालच है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर राज्य में अपनी धांधलियां करते रहे। आपने देखा पहले भी सब जगह जहां भी इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो ईवीएम से हुए कुछ नहीं हुए, बहुत प्रॉब्लम हर जगह है। संविधान को अगर आपने बचाना है,
कहते थे हम लोग कि हम गोरों से लड़े हैं, गोरों से लड़े हैं, अपने घर में हमें अपने ही चोरों से लड़ना पड़ रहा है, अपने ही लोगों से लड़ना पड़ रहा है। और विडंबना है ये विडंबना है हमारी कि आज आवाज जो है हमारी कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि ये सेंटर में इनकी गवर्नमेंट है, सारी जो गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं वो इनके उसमें है। तो बड़ा बड़ा अफसोस की बात है, और उसी के लिए हम लोगों ने शांति संपूर्ण, आपने देखा है इसके सामने, निर्वाचन आयोग के सामने हम संविधान जो है बचाना है, अगर आपने आपने अगर डेमोक्रेसी को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। नहीं तो आगे आने वाला समय बहुत जल्दी आ रहा है, यहाँ पे इस देश में इलेक्शन ही बंद हो जाएंगे और एक मोदी जी ही सरकार चलाएगी। तो कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी, सड़क पर क्यों आ गई है? जी विनीत, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी अजय जी, मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी कोर्ट चली गई है तो कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही, इससे पहले सड़क पर क्यों आ गई है? आम आदमी पार्टी कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही है, सड़क पर क्यों आ गई, इसको राजनीतिक कलर क्यों दे रही है? चलिए विनीत से संपर्क भी करते हैं, जैसे विनीत हमारी आवाज पहुंचती है हम आपसे बातचीत। विनीत, मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से कि जो वोट इनवैलिड हुए हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी कोर्ट चली गई है, कोर्ट का फैसला आने तक वो जो है शांत क्यों नहीं है, क्यों उसको सड़क पर उतराई है? जी सवाल दोबारा सुन पाऊंगा अजय जी? मैं पूछ रहा हूं कि आम आदमी पार्टी इनवैलिड वोट को लेकर कोर्ट चली गई है, कोर्ट में फैसला है, तो आम आदमी पार्टी कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही है, सड़क पर क्यों उतर आई है जम्मू में? जी यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, मैं पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं अजय जी, यहाँ पे निर्वाचन भवन है, उसके बाद में सवाल जो है वो मैं यहाँ प्रवक्ता जो है आम आदमी पार्टी के उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर है वो इस ट्रेलर में आपको दिख रही होगी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बॉक्स को लेकर जो की चोर वोटिंग में जो है वो चंडीगढ़ में हुए हैं, और यहाँ पर इसको चोरी और धांधली कहा गया है, जो चंडीगढ़ के चुनाव हुए मेयर के, और कहीं ना कहीं 20 वोट जो थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में थे, और कहीं ना कहीं जो भाजपा के वोट थे वो ठीक है। ठीक है, जरा आम आदमी पार्टी के लोगों के चेहरे दिखाइए और उनसे जो प्रवक्ता है उनसे बात कीजिए कि आखिरकार आम आदमी पार्टी कोर्ट के फैसला आने तक शांत क्यों नहीं है? छोटे से तौर पे भी अगर आप इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं और पूरा देश आम आदमी पार्टी जम्मू के अंदर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है, जो 8 वोट चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में इनवैलिड घोषित किए गए थे, इनवैलिड निकले थे। आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चंडीगढ़ मेयर का चुनाव लड़ा था जिसके अंदर 8 वोट इनवैलिड निकले थे, जिसके बाद से सियासी तूफान है। दिल्ली में भी हमने जो है 1 तारीख में 2 तारीख में जो है धरना प्रदर्शन देखा आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से इसको एक राजनीतिक रूप से एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है इनवैलिड वोट को लेकर, और इनवैलिड वोट के बाद भारतीय जनता पार्टी को चौतरफा घिरने की कोशिश की है। ऐसे में सामने है हमारे लोकसभा चुनाव 2024, उससे ठीक पहले इस तरह का धरना प्रदर्शन और इस तरह का प्रोटेस्ट जो हमारे सामने है, ये बता रहा है कि अब सियासी बुगुल बहुत तेजी से फूका जा चुका है, राजनीतिक महाभारत शुरू हो चुकी है, और इस राजनीतिक महाभारत के अंदर सियासी दावपेच और कौन कैसे खेलेगा, कौन कैसी चाल चलेगा, वो हमारे सामने है। उसी में ये एक सियासी दाव है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में
8 इनवैलिड वोट को मुद्दा बनाया है। अब मुद्दा बनाने के बाद वो जो है चौतरफा भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। इसीलिए आज जम्मू के अंदर भी आम आदमी पार्टी ने वहां पर एक धरना प्रदर्शन दिया है, प्रोटेस्ट कर रही है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर और वहां से एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है, एक जो मैसेज जाए कि हाँ कि आम आदमी पार्टी सक्रिय है, अभी वो शांत नहीं बैठी है। जिस तरह से समझा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी शांत हो गई है और इलेक्शन में शायद अलग तरीके की रणनीति के साथ उतरेगी, लेकिन अपने पुराने अंदाज में आम आदमी पार्टी फिर से सड़क पर उतर आई है और धरना प्रदर्शन कर रही है। हमारे वो रिपोर्टर विनीत जम्मू में बने हुए हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर, वहां से पल पल की रिपोर्ट हमें भेज रहे हैं और हमको बता रहे हैं। हम फिर से बातचीत करते हैं विनीत से और जानने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता क्या कह रहे हैं और क्या मुद्दा है और कितनी देर तक ये प्रोटेस्ट इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर चलने वाला है और इसके बाद आगे की रणनीति क्या रहेगी आम आदमी पार्टी की जम्मू में। विनीत से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, विनीत से जैसे संपर्क होता है हम बातचीत करते हैं विनीत से संपर्क। ये जो मामला है ये एक राजनीतिक रूप से एक किस तरह का टर्न लेगा और जम्मू के अंदर जिस तरह से मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक सियासी हलचल हमेशा पैदा करके रखती है, जमीनी मुद्दों को उठाती रहती है, बातचीत करती रहती है, ऐसे में ये मुद्दा फिर से आम आदमी पार्टी ने उठाया है। वहां की जो दूसरी लोकल पार्टीज है वो किस तरीके से काम कर रही है जी, क्या विनीत से संपर्क हो पा रहा है पीसीआर? ठीक है विनीत, जैसे कि आप सुन पा रहे हैं मुझे, और क्या क्या वहां पर है, किस तरह के लोग मौजूद हैं, कितने कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के वहां मौजूद हैं, कितनी भीड़ है, प्रशासन की तरफ से क्या वहां पर बंदोबस्त किए गए हैं किसी भी अप्रिय घटना को लेकर? पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, अभी भी देखा जा रहा है तो इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर निर्वाचन भवन जम्मू के बाहर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो है तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस समय एक कार्यकर्ता यहाँ पर जो है लगातार जो यहाँ पर आ रही है आप देख सकते हैं गाड़ियों में इस समय यहाँ पर तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँचते हुए इकट्ठे होते हुए यहाँ पर प्रदर्शन जो है यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों, ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं हम जम्मू से। अजय जी, जैसे कि निर्मल महाना जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है जम्मू कश्मीर की, उन्होंने काफी ज्यादा रोष जो है इस मेयर इलेक्शंस जो चंडीगढ़ में हुए हैं उसको लेकर यहाँ पर दर्ज किया है और कहीं ना कहीं उनका यही कहना है कि अगर 20 सीटें थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं, तो मेयर भाजपा का कैसे बना? आप देख सकते हैं किस तरीके से ये स्लोगन्स जो है यहाँ पर लेकर है। आपको तस्वीरें जम्मू निर्वाचन भवन के बाहर की ये कहूंगा दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम महिलाएं हो चुकी है इस समय, यहाँ पर सुप्रीम चौधरी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के और भी प्रवक्ताओं से बातचीत करने की कोशिश हमारे साथ यहाँ पर पहुंचे हैं अभी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। सफीर जी क्या कहेंगे, जो लगातार आज आपने प्रदर्शन शुरू किया और तमाम कार्यकर्ता जो है आम आदमी पार्टी के यहाँ पर पहुंचे हैं इस समय, आप आलिया न्यूज से लाइव चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर? देखिए प्रदर्शन को लेकर हम ये कहना चाहेंगे कि भाई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हम दांग बेद लगा के सिर्फ कुर्सी में बैठने दिए जो प्रचार यहाँ पर किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये एक तरीके से डेमोक्रेसी को जो खत्म किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। आप देखते हैं कि भाई चंडीगढ़ के अंदर मेयर का इलेक्शन था और उस इलेक्शन के अंदर क्या धांधली होती है कि आप एक पार्टी के 8 वोटों को ही काट देते हो और वोट देने वाले कौन है, वो काउंसलर हैं, वो कोई आम वोटर नहीं है कि जिसे कहा जाए कि भी उनसे गलती होगी तो पॉसिबल ही नहीं है। और वो जो वीडियो रिलीज होता है उस वीडियो में पूरा दिखता है कि किसी के काट के वास्ते जो है वोटों को खराब किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ आएगा हमारा प्रदर्शन है। हम आपके हिसाब से कह देना चाहते हैं कि आप टाइम आ गया है कि पूरे हिंदुस्तान के हमारे 140 करोड़ लोगों को जागना पड़ेगा, नहीं जागेंगे तो जनाब ये इसी तरीके से कहीं बैलेट की चोरी, कहीं मशीनों की चोरी, कहीं मशीनों में वो गड़बड़, कहीं चारा नहीं चलता वहां पर फिर ईडी सीबीआई चलती है, तो इस तरीके से करते हैं कुछ भी करके पावर में रहना चाहते हैं। ऑनरेबल कोर्ट में जानते हैं लेकिन ये मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी के अंदर कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर सरकार अपना काम ईमानदारी से करे, लोग अपना काम ईमानदारी से करें, जो सरकार
सरकार की जो तंत्र है, जो जो सरकारी तंत्र के जो मुलाजमीन है, वो अगर काम ईमानदारी से करें तो हमें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सिर्फ कुर्सी का बीजेपी को बढ़ाए रखने के लिए जो है वो मशीनरी की तरह जो है यूज किया जा रहा है लोगों को। जी कोई सवाल आपका तो मैं कोई ज्ञापन लेकर आए हैं क्या इलेक्शन कमीशन को के लिए? कोई ज्ञापन लेकर आए हैं लिखित में? ये कुछ लिखित में कुछ दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, शिकायत दे रहे हैं? जी बात कीजिए सफीर चौधरी से, बात कीजिए सफीर चौधरी। लिखित में आपको ज्ञापन लेके आए हैं, मेमोरेंडम आज निर्वाचन भवन में देने वाले हैं। देखिए हम इनसे अब आज मेमोरेंडम दे देके हम थक चुके हुए हैं। आज हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो प्रजातंत्र जो था जम्मू प्रदेश का हमारा हिंदुस्तान का, उसको जिस तरीके से डिमोरलाइज किया जाए, खत्म किया जा रहा है, उसके ऊपर हमारा ये कहना है कि चंडीगढ़ के अंदर आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ के अंदर एक तरफ से हमारे 20 वोट थे, 8 वोट को कैंसिल करके और उन्होंने क्या कर दिया कि दूसरी पार्टी को जितवाने के लिए, और इतने उतावले थे जितवाने के लिए। आपने अगर वो वीडियो देखा होगा, उस वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि बंदा जो है जो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए वहां पर भेजा था, वोट करके बताना है, रिजल्ट बताने से पहले लोगों को उठाकर अपनी कुर्सी में बैठा कर कहता जी मुबारक हो आपको, आप मेयर बन गए यहाँ के। अगर इसी तरीके से आपको मेयर बनना है, अगर इसी तरीके से आपको सरपंच बनना है, अगर इसी तरीके से आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, अगर इसी तरीके से आपको एमपी बनना है, तो जनाब ये प्रजातंत्र कहाँ रहा? कहाँ है वो डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं कि वर्ल्ड की हम नंबर वन डेमोक्रेसी के अंदर रहते विनीत? सफीर चौधरी जो कह रहे हैं और थोड़ा सुनवाई और मीडिया से और क्या बातचीत कर रहे हैं, बाकी के कार्यकर्ता और क्या कह रहे हैं, अभी जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। यहाँ पर हमसे बातचीत करें, पहले मैं सीधे आपको दिखाऊंगा, तमाम महिलाएं यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। देखिए कल चंडीगढ़ में मेयर काउंटिंग हुई, मेयर इलेक्शन की साफ तौर पे देखा जा रहा है कि देखिए हमारे 20 वोट थे और भाजपा के 15 के 16 थे, लेकिन हमारे 8 वोटों को काट दिया गया और मैनिपुलेशन की गई। वहां के जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर अनिल मलसी हैं, उन्होंने जो टिक मार्क लगे थे उनको फ्रीज किया गया, और शरेआम वो चीज जो है वीडियो में दिखाई जा रही है, उसी के निस्बत हमने ये प्रोटेस्ट रखा है। कल हमारा दिल्ली में प्रोटेस्ट था 2 तारीख को, आज हमारा जम्मू में है और हम इसका खंडन करते हैं। अब हम लोग हाईकोर्ट में भी गए हैं, जुडिशरी का दरवाजा भी हमने खटखटाया, शायद हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है कि हर एक चीज के लिए अगर हिंदुस्तान में जुडिशरी का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा ना, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है, बड़ी शर्मनाक बात है। बीजेपी को खुद सामने आके और ये ऐलान करना चाहिए कि जो वोटिंग में धांधली हुई है हम लोग उसका खंडन करते हैं और दोबारा वोटिंग काउंटिंग होनी चाहिए। ये हमारा जॉब यहाँ पे हमारा प्रोटेस्ट करने का मेन मकसद है। जी अजय जी कोई सवाल? काउंटिंग नहीं कराता है और उसको जो है अपने फैसले को जो बरकरार रखता है, तब आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है जम्मू में? जी जी अगर कहा जा रहा है, अगर ये जो मेयर है बड़ी शर्मनाक बात होगी, चुल्लू और पानी में बीजेपी को डूब मरना चाहिए अगर सामने देखने के पर भी कोई कार्रवाई ना हो। ऐसे आप लोग सारे अपोनेंट जितने भी आपके पार्टी वर्कर्स हैं उनको जेलों में डाल रहे हैं, सारों पे कार्रवाइयां कर रहे हैं, लोगों के मकान तोड़ रहे हो, जो आपकी अपने भी आती है और आप लोग चुप हो जाते हो और मुंह गूंथ लेते हो, ये तो बात गलत है ना। एक डेमोक्रेसी की किलिंग शरेआम हो रही है, इसका हमें खंडन करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान में लोगों में बड़ा गुस्सा है, आपकी ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने जो काम है ये बंद कर दीजिए और फिर इलेक्शन हो सके। अगर मेयर के इलेक्शन में आप लोगों ने इतने धांधली करनी है तो आप लोकसभा और दूसरी असेंबली इलेक्शन में क्या करते होंगे, इसका अंदाजा लगाना ही बड़ा मतलब बियॉन्ड द लिमिट है। जी वहाँ पर पीछे जो सरदार जी खड़े हैं आपके, उनसे पूछिए उनका क्या कहना है चंडीगढ़ चुनाव को लेकर। और आम आदमी पार्टी उसका पूरे तौर पर अखंडन करती है।
क्योंकि इन्होंने या तो लोगों को अनपढ़ समझा हुआ है और अपने आप को पढ़ा लिखा समझा, क्योंकि जो इनके प्रेजेंटिंग ऑफिसर वहां पर थे उन्होंने शरेआम किसी भी कैमरे में देखा होगा कि उन्होंने शरेआम वोटों को कैंसिल करके 8 वोट जो है उन्होंने कैंसिल किए हैं और 8 वोट कैंसिल करने के बाद उन्होंने बीजेपी के 16 वोट स्टैंड रखे, उनका जबरदस्ती मेयर बनाया है जिसकी आम आदमी पार्टी पूरे तौर पर खंडन करती है। और हम लोगों को ये सूचित करते हैं कि अगर ऐसे ही डेमोक्रेसी का कत्ल होता गया तो मेरे को उम्मीद नहीं है कि 2024 के बाद कहीं हिंदुस्तान में इलेक्शन हो पाए। तो पहली बात इलेक्शन बात हो रही बात की जो चंडीगढ़ में इन्होंने किया है, हम फौरी तौर पर सरकार को ये कहते हैं कि ये दोबारा इसको कैंसिल करें, प्रोसेस को नए प्रोसेस से अगर दोबारा इलेक्शन और ईमानदार आदमियों को वहां पर लगाया जाए, क्योंकि ईमानदारी से ही मेयर काम करे, ईमानदारी से ही मेयर काम कर सकता है। जबकि ऐसे कैंसिल करके लोगों के वोटों को कैंसिल करके मेयर बनाओगे उसका मतलब है कि उन्होंने करप्शन बड़े ऊंचे लेवल तक उन्होंने करप्शन किया। अब लोग जो हम बताते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो ये धांधली हुई है उसकी मैं फिर दोबारा से ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी जम्मू की जो है जम्मू कश्मीर की वो खंडन करती है, नए सिरे से दोबारा चुनाव होने चाहिए, इससे लिए जय हिंद जय भारत। तो यहाँ पर आपने अजय जी सुना इनका तलब थी चुनाव हुए वो कैंसिल होने चाहिए, आपकी आवाज कैंसिल होने चाहिए और करनी चाहिए। ये जो धांधली चल रही है बच्चों की योजना तो चल रही है और कहीं ना कहीं अपनी मर्जी से जो डेमोक्रेसी यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसका जो है वो डेमोक्रेसी के खिलाफ ये जो बातें चल रही है ये जो खत्म हो रहे हैं वोटों को लेकर। जी विनीत हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं दिल्ली से प्रदीप भटनागर, आप वहां पर मौजूद रहिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। आम आदमी पार्टी के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो क्या कर रहे हैं, मैं प्रदीप भटनागर को जोड़ रहा हूं लाइन पर और उनसे पूछता हूं और क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी इस तरह से जो आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है जम्मू के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों अपने आप को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर? आम आदमी पार्टी दिल्ली से लेकर जम्मू तक, यानी कि दिल्ली से जम्मू से लेकर दिल्ली तक आम आदमी बीजेपी को घेर रही है और जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रही है और कह रही है कि ये लोकतंत्र का हनन है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है और इसको पूरी तरीके से एक राजनीतिक एजेंडा बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने 8 वोटों को, कह रही है कि जो 8 वोट इनवैलिड घोषित किए गए हैं वो पार्षदों के वोट हैं, कोई आम आदमी ने वोट नहीं डाले थे, जो उससे कोई गलती हो जाए, ये पार्षद हैं जो कि वहां पर सक्रिय हैं और पार्षदों के वोट यदि इनवैलिड होते हैं तो फिर ये इस पर सवाल उठता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इसको स्टैंड लेती है, कोर्ट में क्या फैसला होगा, कोर्ट किस इस पर क्या अपना फैसला सुनाती है, इस पर भी हमारी नजरें बनी हुई हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी प्रोटेस्ट कर चुकी है और जम्मू में भी प्रोटेस्ट चालू है, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, वहां पर हमारे संवाददाता विनीत मौजूद है जो पल पल की रिपोर्ट हमें वहां से भेज रहे हैं और आम आदमी पार्टी के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं और कितना गुस्सा है आम आदमी पार्टी में वो हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू से सीधे। एक बार फिर से बातचीत करेंगे विनीत से और प्रदीप भटनागर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या कहेंगे इस मसले पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। विनीत से संपर्क साधने की कोशिश की जाए। तो यह है आज की सबसे बड़ी खबर जम्मू से कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। विनीत और क्या स्थिति है वहां की? जी इस समय हमारे साथ और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, डीडीसी है, इनसे बातचीत करना
जज्बात के साथ खिलवाड़ करने की बात हो रही है। आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा वोट को किस तरीके से हथियाया जा रहा है। सिर्फ 20 लोगों के वोट थे, उनके 16 वोट थे, 8 उसमें से जो है वो बेकार वोट दिखाए जा रहे हैं। इस किस्म का माहौल अगर देश के अंदर होगा तो लोकतंत्र का है। मैं मोदी जी से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर देश के लोगों ने आपको मौका दिया था 2014 में, उसी देश के लोग क्या लोग जो है वो स्टेट्स के अंदर लोगों को मौका दे रहे हैं, अगर वो स्टेट्स के अंदर चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, MLAs बना रहे हैं, आपको पार्लियामेंट के अंदर मौका दिया था देश की राजनीति करने का मौका 10 साल से लोग दे रहे हैं, तो आप नीचे लेवल पर जो लोग चुन के किसी को भेज रहे हैं, आप उनके खिलाफ इस किस्म का घिलौना काम क्यों कर रहे हैं? 20 लोग जो चंडीगढ़ के अंदर थे, चुने हुए लोग थे, तो ये सियासत के नशे में आकर ये रोन देना, वोटों के हाल वोटों को जो है तोड़ देना और 20 लोगों को ये बताना कि आप मायर नहीं बन सकते हो, और 16 लोगों से उठकर वो मायर बना लेते हैं, ये पूरे देश को एक पैगाम जाना चाहिए। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात है, यहाँ पे चुनाव नहीं हो रहे, एक तरफ से कह रहे हैं माहौल ठीक है, अगर चुनाव हो भी जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन से क्या उम्मीद करेंगे? देश के अंदर 28 स्टेटें हैं, 28 स्टेटों के अंदर ये माहौल है, और 24 के चुनाव में मोदी कह रहा है कि 400 के पार जाऊंगा, इस किस्म का माहौल लेकर आएंगे? EVM के अंदर धांधलियां हैं, पूरा देश सड़कों पर है, लोग गुहार लगा रहे हैं, आज भी जम्मू के अंदर ये दावा कर रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर से जो है यहाँ सरकार बनाएंगे, इलेक्शन कराएंगे नहीं। अब ये वो देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है बैलेट बक्सों को खराब करके वोट अपने उसके लिए किया जाए, तो कहीं ना कहीं पूरे देश को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र खतरे में है। जिस देश को खून और पसीने से सींचा था, उस देश के लोकतंत्र पे आज कब्जा हो रहा है, मोदी जो है वो राजा बन रहा है, तो राजा ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, और इसके बहाली के लिए आवाम को पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, आज चोरों के खिलाफ, ये सीना जोरों के खिलाफ, मैं इसे चोर नहीं कहता हूँ, ये सीना जोरी के दम पर लोगों को निचोड़ने का काम कर रहे हैं। तो क्या कोई आज आम आदमी पार्टी क्या आज कोई लिखित में आप यहाँ पर दे रहे हैं निर्वाचन भवन? बिल्कुल लिखित में भी होगा, और ये कोई प्रदर्शन हम नहीं कर रहे, हम देश को बचाने की बात कर रहे हैं, जिस देश का सपना पुराने उन लोगों ने देखा था, उन शहदाओं ने देखा था जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी थी, इन जैसे नेताओं के लिए, इन दलालों के लिए इस देश को नहीं सींचा था, ये कुर्बानियां उसके लिए नहीं लगी थी। अंग्रेजों को निकालने का सपना ये नहीं था कि लोकतंत्र की हत्या होगी, गरीबों के विश्वास के साथ विश्वास खिलवाड़ होगा, अगर ये सपना था उनका, हम प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। उस दौर के अंदर लोग जागे थे, अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, आज के दौर में भी लोगों को जागना होगा, इस मुल्क की सालियत को बचाने के लिए जनता को खड़ा होना पड़ेगा, और उसी का प्रदर्शन हो रहा है लिखित में, क्या उसमें एविडेंस है, साफ एविडेंस है किस तरीके से मुल्क के अंदर धांधलियां हो रही है, और ये कोई बड़ा जमावड़ा नहीं था, 20 वोट थे अपोजिशन के, जिसे आप अभी आप अपोजिशन कह सकते हैं, और 16 वोट जो थे भाजपा के थे। अगर इलेक्टेड लोग जो है वोट अच्छे से पास नहीं कर सकते हैं, तो 80 करोड़ को मोदी ने राशन फ्री दिया है, उन लोगों से क्या उम्मीद करोगे 2024 के चुनाव में? साफ जाहिर होता है कि वोटों के अंदर धांधलियां हो रही है, एक आम आदमी का, नागरिक का हक छीना जा रहा है, और उसे हम छीनने नहीं देंगे। वक्त में उन लोगों ने कुर्बानियां दी थी, फांसी के फंदे पे चढ़े थे, जान की बाजी लगाई थी, आज हमारा मौका है देश को बचाने के लिए, इसकी सालमियत को बचाने के लिए हम सड़कों पे खड़े हैं, आज दिल्ली के अंदर भी थे, पंजाब के अंदर भी हैं, और जम्मू के अंदर, और देश के कोने कोने से जहां लोग इस देश की सालमियत को बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे, मुझे लगता है पूरे देश के अंदर भाजपा को नंगा करना होगा, और इनकी वो जो पावर है, जिस वोट की ताकत से, मुझे नहीं लगता वो वोट की ताकत से बने हैं, 400 का सपना दिखा रहे हैं, वो EVM के जरिए ये सारा उन्होंने कंट्रोल करके रखा, ये तानाशाही हम चलने नहीं देंगे, तानाशाह अंग्रेज है यहाँ पे, लोग मांग, आप क्या मांग करोगे? मतलब एक सिंपल एविडेंस है, वीडियो बनी है, वोटों को हटा दिया गया है, तो लोग क्या करेंगे? हाईकोर्ट के अंदर भी इसका प्रोसेस चल रहा है, सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि थानाशाही कब तक चलती रहेगी? कल गरीब का हक होगा तो इसी सब
सरकारी मकान करेंगे, अगर यहाँ पर ये भाजपा के लोग पावर में है या कोई और गरीब को निचोड़ कर उसे अलग करेगा, ये सवाल सिर्फ भोजन की बात नहीं, ये गरीब के हक की भी बात है। जहाँ हर गरीब का हक मारा जाएगा इससे आप लोग मान रहे हैं, ये पूरे देश का लगना है और एविडेंस है किस तरीके से किस तरीके से करना चाहिए। ओपन में सीधा चोरी, ये वोट चोरी नहीं है, सीधा चोरी है, बस ये सीधा चोरी करने के लिए सुलोचन में नहीं बैठा है, ये तो राजतंत्र है, राजा बने हुए हैं, वही मन करता है सही माहौल यहाँ देश के अंदर बना दी, हम जमहूरी लोग और हम इस दुनिया को खराब नहीं होने देंगे, यहाँ बहुत किस्म के लोग रहते हैं और इसी की खूबसूरती इस देश के अंदर है, अगर उस खूबसूरती को खत्म करने की ये कोशिश करेंगे तो हम इन्हें रोकने की पूरी कोशिश। जी जी अजय जी, क्या वहाँ पर और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई एक अधिकारी वहां मौजूद है क्या, पहुंचा है इनसे बातचीत करने के लिए? जम्मू की दिखा दूं, यहां पर अभी गेट पूरा बंद है और ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर, मैं तो दिखाऊंगा तस्वीरें दिखाए अंदर की, अभी ये यहां पर गेट बंद है और अंदर कोई नहीं है, अंदर से कोई बाहर अधिकारी नहीं आया है अभी तक और यहाँ पर, ताकि इनसे कोई बात कर सके, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे अपना प्रदर्शन दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं, मगर निर्वाचन भवन का कोई भी अधिकारी जम्मू का यहाँ पर इनसे कोई बातचीत करने नहीं आया, मगर इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जल्द से जल्द ये जो मेयर के चुनाव हुए हैं ये कैंसिल होने चाहिए और कहीं ना कहीं इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, अगर इनको सुप्रीम कोर्ट भी उच्च न्यायालय भी जाना पड़े तो ये जानने को तैयार है, और कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी का सिर्फ कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि हम जनता को जागरूक करने आए हैं, आखिरकार जम्मू कश्मीर या पूरे भारत देश में हो क्या रहा है, भाजपा सरकार जब से आई है 2014 से लगातार जो देश है वो पीछे जाता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है और ये दांदलबाजी जो है वोट की सत्ता जो है, सत्ता का लालच जो है वो भाजपा कहीं ना कहीं सत्ता की लालच में आकर ऐसे काम कर रही है, और निर्वाचन भवन के बाहर हम मौजूद है, कोई भी अधिकारी नहीं, आप देख सकते हैं अंदर, मैं दिखाना चाहूंगा तमाम जो सिक्योरिटी पर्सन है वो अंदर है, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक कोई भी अधिकारी जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचा है ताकि इनसे कोई बातचीत कर सके, जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी इस समय आम आदमी पार्टी के मौजूद है। जी अजय जी, पुलिस की तरफ से क्या बंदोबस्त है इनकी, जिस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है आम आदमी पार्टी, वहाँ स्थानीय फोर्स में, लोकल फोर्स में कोई मौजूद है वहां पर, कोई अधिकारी मौजूद है? नियर बाई जो मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो थाना पड़ता है उनके कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कोई निर्वाचन भवन के अंदर कोई प्रदर्शनकारी ऐसी कोई हरकत ना करे जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, और कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा पुलिसकर्मी यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद है, जी पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तो यहाँ पर इनसे भी बातचीत करेंगे। अजय जी, कुछ सवाल है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर हमारे साथ देखो मौजूद है, देखिए जी जी, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि यदि इलेक्शन कमीशन से कोई भी आपसे बातचीत करने के लिए नहीं आता है, या स्थानीय बॉडी का कोई भी व्यक्ति या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई व्यक्ति आपसे बात करने नहीं आता है, या वहाँ की जो सरकार है जम्मू कश्मीर की, वहां से कोई आपसे बातचीत करने नहीं आता, उनका कोई प्रतिनिधि, तो आप क्या करने जा रहे हैं? यहाँ से आपसे बातचीत करना नहीं है, प्रदर्शन चल रहा है, या जम्मू कश्मीर या कोई कुछ अधिकारी यहाँ से आपसे बातचीत नहीं पूछता है, तो आपका अगला रुख क्या है? देखिए यहाँ पे कुछ नई कोई नहीं है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर का तो कोई कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहा, यानी कि पूरे का पूरे हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी है उसका मर्डर किया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चंडीगढ़ में जो हुआ है
ये लोकतंत्र का नंगा नाच जो वहां पे हुआ है, 20 कैंडिडेट जो थे वो आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के जुटे हुए थे, और 12 जो थे वो बीजेपी के थे और उसके एसोसिएट थे, लेकिन 8 वोटों को बीजेपी ने जिस तरीके से वहां पे जो हमारे कैंसिल कर दिए गए और अपना मेयर जिता दिया, ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आने वाली पार्लियामेंट की इलेक्शन के लिए लोग कैसे यकीन करेंगे बीजेपी के ऊपर? वैसे भी जम्मू कश्मीर में जब डीडीसी की इलेक्शन थी, मैं आपको बताऊं कि डीडीसी की इलेक्शन के दौरान सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी एक थी जहां पे भारतीय जनता पार्टी के चौधरी श्यामलाल जी जो थे वो डीडीसी के मेंबर खड़े हुए थे, वो हारे हुए थे और तरनजीत सिंह टोनी जीते हुए थे, लेकिन बीजेपी ने तरनजीत सिंह टोनी को हरा दिया और बीजेपी वाला जो हारा हुआ था उसको वो जीता हुआ घोषित कर दिया, लेकिन उसके बाद लोग उनके विरोध तो यही कह रहा है कि दांडी सत्ता का, मैंने कहा जितना दुरुपयोग सत्ता का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है इतना कभी हमने देखा ही नहीं है। हर जगह त्राहिमाम हो रहा है, लोगों को लोकतंत्र पे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आखिरकार असेंबली की इलेक्शन होगी, पार्लियामेंट की इलेक्शन होगी तो हम वोट कास्ट करेंगे आम आदमी को पार्टी को कि कहीं ये चुरा ना ले बीजेपी वाले। तो ये डर जो है पूरे हिंदुस्तान में लोगों को बना हुआ है और लोकतंत्र के नाम की कोई चीज नहीं है हिंदुस्तान में। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ इनसे, कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी जो है वो एक सवाल है मेरा इनसे, यदि इनको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है, डेमोक्रेसी पे भरोसा नहीं है, चुनाव प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है, तो क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, अब यह पूछना है मुझे। जी सवाल है आपसे कि अगर आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भरोसा नहीं है, अगर आपको चुनाव प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है, तो आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है या उसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं? देखिए आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, पूरे हिंदुस्तान में लड़ेगी, जम्मू कश्मीर में भी जो है वो लोकसभा का इलेक्शन है। देखिए मेरी बात देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर लोकतंत्र को बहाल रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो निष्पक्ष तरीके से जो है वो चुनाव होने चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा कि वहां पे वीडियोग्राफी हो रही थी, सफीर चौधरी और जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है दोनों से यही सवाल पूछ लीजिए। सफीर चौधरी यदि वहां मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मौजूद हैं, उनसे यही सवाल है। सवाल है मेरा कि जैसे कि साफ तौर पर निर्वाचन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, उस पर भरोसा नहीं है, आप जो लगातार ये वोटिंग हो रही है उसके ऊपर भरोसा नहीं है, तो आने वाले विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव जब आएंगे तो क्या आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर या पूरे विश्व में या पूरे देश में चुनाव लड़ने को तैयार है? नहीं, चुनाव तो हम जरूर लड़ेंगे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, और सिस्टम्स को इसीलिए प्रदर्शन हम इसीलिए कर रहे हैं कि ये जितना सिस्टम है हमारा, इस सिस्टम को हम ठीक कर सकें, क्योंकि अगर आज हमने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो आई एम श्योर आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि हर एक इलेक्शन में ऐसे धांधलियां होने वाली हैं, चाहे आप उसको ईवीएम से करवाएं, चाहे आप उसको बैलेट पेपर से करवाएं। इतना छोटा इलेक्शन, मतलब जिसका उतना कोई वर्चस्व नहीं है, उसके लिए भी अगर सत्ता का प्रलोभन इतना ज्यादा है इस पार्टी को, तो मुझे नहीं लगता कि, और यही पार्टी अगर रही, और आज आप मेरी बात, इस बात को आप ये करें, आप इसको नोट करें कि आगे आने वाले समय में इस देश में इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, इलेक्शन होंगे ही नहीं और एक डिक्टेटरशिप रहेगा, और आप जानते हैं जब भी कोई डिक्टेटर होता है, वो रूल करता है, तो जो आम जनता की हालत होती है वो किसी से छुपी नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बात करते रहे, इसके लिए क्या वन नेशन वन इलेक्शन की बात, देखिए अभी हम उसके बारे में नहीं सोच सकते, क्यों नहीं सोच सकते? जब हमारा देश आजाद हुआ था तो फर्स्ट इलेक्शन था वो वन नेशन वन इलेक्शन पे ही था, लेकिन क्योंकि सारी स्टेट्स को धीरे धीरे दर्जा हुआ, और हमारी जो 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 हमारी डेमोक्रेसी है ना, वो बहुत ही खूबसूरत डेमोक्रेसी है, तो ये क्योंकि स्टेट्स की पावर्स अलग है, सेंटर की पावर्स अलग है, तो इसको आप अगर होना भी है तो इसको समय लगेगा, 15 से 20 साल लगेंगे, क्योंकि सारी स्टेट्स को आपने सेंटर में एब्जॉर्ब करके उसके बाद ही आप कर सकते हैं, तो ये कोई आसान काम नहीं है, इसको समय लगेगा। अब समय आएगा फिर क्या, बट जहां पे
इसका भी एक सबसे बड़ा सवाल ये है और मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, आप बात तो कर रहे हैं लेकिन जहाँ पे रीजनल पार्टीज है उनका क्या होगा, वो क्या करेंगे, वो डिसॉल्व करेंगे आप या उसको अमलगमेट करेंगे, है ना? तो ये बड़ा बड़ा सवाल है। सफीर चौधरी से भी मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, सफीर चौधरी यदि जवाब दे सके तो। जम्मू के अंदर आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, हमारे संवाददाता विनीत वहां मौजूद हैं और सभी कार्यकर्ताओं से बारी बारी बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं क्या कह रहे हैं। जी सफीर चौधरी हमारे साथ हैं। अपना प्रधान बना दिया, बीजेपी पर भरोसा नहीं करते हैं, संविधान पर भरोसा करते हैं। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से संविधान को तोड़ना शुरू किया है और जिस तरीके से उसके खुले खुले उसके अगेंस्ट में काम करना शुरू किया है, हमारा प्रोटेस्ट भी इसके खिलाफ है। इलेक्शन में हम जाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कितनी चोरी करेंगे, कितनी मशीनों का बदलेंगे, कितने बैलेट पेपर पे क्रॉस के निशान लगाएंगे, हम वो देखना चाहते हैं कि भाई यहाँ की 140 करोड़ आवाम है जो हमारे हिंदुस्तान की, वो ताकतवर है या बीजेपी के कुछ दलाल जो हैं जो वो अपनी कुर्सियों को लेके वो जो है ताकतवर है, ये देखना चाहते हैं। और इतिहास गवाह है कि जब जब हिंदुस्तान के जब जब आम आदमी को ठेस पहुंची है, जब जब वो जागा है, तो हमने किसी का राज यहाँ नहीं रहने दिया। हमने अंग्रेजों जैसों का राज यहाँ से 2 साल के बाद वो खेड़ के अगर हम भेज सकते हैं तो ये तो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये तो काले अंग्रेज हैं, इनका तो उखाड़ना कोई बड़ा बड़ी बात नहीं है। अब यह है कि किस तरीके संविधान को तोड़ फरोड़ के अपनी मशीनरी का गलत यूज करके, एडमिनिस्ट्रेशन का गलत यूज करके, मशीनों का गलत यूज करके और बैलेट पेपर के ऊपर आप क्रॉस लगवा के और किस तरीके से करोगे अपने अपने जो, मैं तो समझता हूँ कि जो आपके कार्यकर्ता थे ना, ये जो कार्यकर्ता थे अब उन्हीं को आपने बना के भेज दिया कि भाई आप जाइए इलेक्शन वहां पर जवाब करवाइए जाते हैं। जिस आदमी को वहां पर इलेक्शन कंटेस्ट करवाना था फिर वहां पर होना चाहिए था, जहां पर जिसकी ड्यूटी थी किसको फिर रहे, ये वही आदमी जो है वो बहुत अवतावला हमने देखा वीडियो के अंदर कि उसने पहले अनाउंस नहीं किया, पहले उसने वो बीजेपी का जो बंदा था उसको पकड़ के लाया, कुर्सी में बैठाया और उसको कहा कि आपने आपका काम कर दिया है, आपके आपके जो 16 वोट थे वो हमने दिखा दिया और इनके 8 वोट जो कैंसिल करके आपको हमने मेयर बना दिया है। तो इसके खिलाफ हमने जो है प्रोटेस्ट आकर रखा और आगे भी हम ये चाहते हैं कि प्रोटेस्ट जो है इसी तरीके से इसका हम करते रहे और ये सिर्फ हमें नहीं करना होगा, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को करना होगा, क्योंकि ये मैं समझता हूँ किसी पार्टी का नुकसान नहीं किया है, ये प्रजातंत्र जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड की नंबर वन डेमोक्रेसी, उसका नुकसान किया है, ये हिंदुस्तान के उस आदमी का नुकसान किया है जिसको ये भरोसा था कि मैं कल वोट देने जाऊंगा और मैं अपने किसी जिसको चाहता हूं मैं कि वो गवर्नमेंट के अंदर है उसको मैं वोट देकर लेके आऊंगा, ये उसका नुकसान किया है। पार्टियों का तो कोई बात नहीं, पार्टियों का आज नुकसान होगा कल फायदा हो जाएगा कुछ भी हो जाएगा, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी जो बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल और है मेरा इनसे सफीर चौधरी से कि जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उड़ीसा में भुवनेश्वर में कहा कि यह आखिरी चुनाव है और अगर मोदी चुनाव जीत कर आते हैं तो चुनाव नहीं होने देंगे, तो पुतिन की तरह ही यहाँ पर चुनाव होगा या फिर शासन चलेगा, तो क्या यही लोकसभा चुनाव का इनका चुनावी एजेंडा है, चुनावी मुद्दा है? जी मेरा सफीर चौधरी से एक सवाल है, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में कहा था कि यह आखिरी चुनाव है, यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीत कर आते हैं तो चुनाव नहीं होने देंगे। तो आम आदमी पार्टी से मेरा यही सवाल है, क्या ये जो आखिरी चुनाव आप कह रहे हैं या फिर कह रहे हैं इसके बाद चुनाव नहीं होंगे या चुनाव प्रक्रिया पर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्या यही आपका चुनावी मुद्दा है, इसी मुद्दे पर इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा? सफीर चौधरी साहब क्या आम आदमी पार्टी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी जिस पर प्रदर्शन कर रही है? ठीक है, हमारी आवाज जो है सफीर चौधरी तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे ने भुवनेश्वर में कहा कि यह आखिरी चुनाव है और देश के प्रधानमंत्री यदि चुनाव जीत कर आते हैं तो चुनाव नहीं होंगे, और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से उन्होंने तुलना कर दी थी, उसके बाद से देखें
जिस तरह चंडीगढ़ चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया, एक राजनीतिक मुद्दा बनाया, अब इस वक्त चुनावी मुद्दा बनाती जा रही है आम आदमी पार्टी कि ये चुनाव की प्रक्रिया पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिए उसने, डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए, देश के संविधान पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को हर तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है, चुनाव चाहे ईवीएम से हो या बैलेट से हो, उनको चुनाव पर भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी साफ और स्वच्छ चुनाव की उम्मीद कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप देखते रहिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज। संस्कृति, सभ्यता,